हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि आज के हम लोग किस वीडियो में बात करने जाएंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, वेदर रिपोर्ट के बारे में, वो आखिर में हम लोग किस वीडियो में बात करेंगे प्रेम गिलम के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि अब ये सीरीज पाँच की जगह टी ट्वेंटी की सीरीज जैसे बन गई है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब पहले टी ट्वेंटी में जीत गई है वेस्ट इंडीज, वही दूसरे टी ट्वेंटी में जीत गई है इंग्लैंड। और दोस्तों इस कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि अब ये लगभग टी ट्वेंटी सीरीज ऐसी बन गई है, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ जो भी पहले टी ट्वेंटी जीतेगा उसका जीतने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि जो टी ट्वेंटी की सीरीज होती थी उसमें जो भी पहले मैच जीती थी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते थे, बिल्कुल वैसे ही है अब ऐसे इसमें भी। और मैं आपको बता चुकी हूँ तीसरी टी ट्वेंटी होने वाली है, और बाकी के तो टी ट्वेंटी अभी और बचेगी उसके बाद। और मैं आपको बता दूँ कि तीसरा टी ट्वेंटी सेमी स्टेडियम में खेला जाने वाला है, यानी कैनिश ओवल जो कि बारबाडोस में स्थित है वहाँ पर खेला जाने वाला है ये तीसरा टी ट्वेंटी। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा ये तीसरा टी ट्वेंटी खेला जाने वाला है 27 जनवरी को वह भी इंडिया में। और मैं आपको बता दूँ वही बात की जाए टॉस की, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि 26 जनवरी ख़त्म होगा उसके बाद एक घंटे बाद टॉस होगा और उसके एक घंटे 30 मिनट बाद मैच शुरू होगा। तो दोस्तों ये तो बात कर लिया हमने सारी चीज़ों के बारे में, और मैं आपको बता दूँ कि ये मैच फंगो टैप पे उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर अभी तक इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच 21 टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें जो इंग्लैंड है वो 9 बार जीता है और जो वेस्ट इंडीज है वो कुल 12 बार जीता है। वैसे तो दोस्तों अभी ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के बीच जीतने का, लेकिन तभी भी अभी वेस्ट इंडीज का पड़ना काफ़ी ज़्यादा भारी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से 3 मैच ज़्यादा जीता है। वही बात की जाए कि वेस्ट इंडीज़ की जगह पे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इन दोनों के बीच में किसका पड़ना सबसे ज़्यादा भारी है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कुल मिला के अभी तक वेस्ट इंडीज़ की जगह के पे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच 10 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 5 मैच जीते हैं इंग्लैंड ने, वही 5 मैच जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर किसका पड़ना सबसे ज़्यादा भारी रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग देख पा ही रहे हो कि यहाँ पर दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि वेस्ट इंडीज की जगह पर किसका पड़ना सबसे ज़्यादा भारी रहने वाला है। वही बात की जाए कि कैसे रहने वाला है कैंगसिट ओवल जो कि बारबाडोस में स्थित है वहाँ का हाल, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच कैंगसिट ओवल में कुल मिला के 5 टी20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें दोस्तों 2 में जीती है इंग्लैंड, 3 में जीती है वेस्ट इंडीज। दोस्तों ये ना कि आगे जाके ये सच बन जाए, क्योंकि जैसे कि आप सभी को बताते हैं कि 5 मैचेस की सीरीज है, जिसमें से अगर यहाँ पे ऐसा ना हो कि 2 इंग्लैंड जीते और 3 वेस्ट इंडीज। वैसे दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि अब तक हमने जितने भी हेड टू हेड देखा उसमें वेस्ट इंडीज का पड़ने सबसे ज़्यादा भारी था। तो दोस्तों वही बात की जाए पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कुल मिला के अभी डे 24 मैचेस खेले जा चुके हैं, और डे 20 वो भी एशिया स्टेडियम में, जिसमें जिसे पहले बैटिंग की है वो गुजोदाबाद जीता है और जिसे दूसरी बैटिंग की है वो गुन्नोबाद जीता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि इस स्टेडियम में एक बार नो रिजल्ट भी आ चुका है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब ये पहली बैटिंग करने वाली टीम सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और इसी कारण जो टॉस जीतेगा वो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करेगा, क्योंकि 5 मैच ज़्यादा जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम दूसरी बैटिंग करने वाली टीम से। तो ये बात कीजिए एवरेज स्कोर की, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पहली बैटिंग का तो इस क्षण में एवरेज स्कोर आया है 140 का, वह दूसरी बैटिंग का तो इस क्षण में एवरेज स्कोर आया है 126 का, लेकिन मुझे लगता है कि ये 150 से ऊपर का स्कोर होने वाला है इस तीसरे टी ट्वेंटी में। वही बात कीजिए हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर के बारे में, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इस स्टेडियम का हाईएस्ट स्कोर रहा है 195 रन और 3 विकेट खो गए। मैं आपको बता दूँ कि ये बने थे कुल मिला के 20 ओवर में, और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बने थे वेस्ट इंडीज है वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, वही लोएस्ट स्कोर रहा है इस स्टेडियम में 80 रन वो भी ऑल आउट होगी, ये बने थे 69 ओवर में, ये बने थे अफगानिस्तान है वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने पिच रिपोर्ट के बारे में, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेदर रिपोर्ट के बारे में।
तो दोस्तों ऐसे रहने वाले है वेदर रिपोर्ट बारबाडोस में, जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हो के उसके से दोस्तों एक घंटे बारिश रहेगी और उसके भी 30% चांसेस है। बाकी दोस्तों मौसम साफ रहेगा, बारिश के किसी भी टाइप के चांसेस नहीं रहेंगे, यहाँ पे ओवर्स खटने के चांसेस रहेंगे, लेकिन इसे निकले का इतना तो पक्का है। तो दोस्तों वही बात कीजिए प्लेइंग 11 के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की, क्योंकि ये मैच वेस्ट इंडीज में खेले जा रहे हैं इस कारण। तो ऐसे होने वाले हैं वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। पहले नंबर पर आएगी बैटिंग की कोई, दूसरे नंबर पर आएगी शे होप। मैं आपको बता दूंगी ये दोनों की दोनों बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ हमें मैच ओपनिंग का दोनों आने वाले है। तीसरे नंबर पर आएगी निकोलस परन जो की बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ टीम के लिए विकेट कीपिंग का दोनों आने वाले है। चौथे नंबर पर आएगी डेरेन ब्रावो जो की बैट्समैन है। पांचवे नंबर पर आएगी कैरम ब्लैट जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ हमें फास्ट बॉलिंग का दोनों आने वाले है और साथ ही साथ टीम के लिए कैप्टनसी का दोनों आने वाले है। छठे नंबर पर आएगी फैबे एलन जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ हमें स्पिन बॉलिंग का दोनों आने वाले है। सातवें नंबर पर आएगी जेसन होल्डर जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ हमें कल तो नजर आएगी फास्ट बॉलिंग। आठवें नंबर पर आएगी ओडियन स्मिथ जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ दोस्तों ये हमें कल तो नजर आएगी फास्ट बॉलिंग। नवे नंबर पर आएगी नुमेर शेफर्ड जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ दोस्तों नुमेर शेफर्ड हमें कल तो नजर आएगी फास्ट बॉलिंग। दूसरे नंबर पर आएगी अकील हुसैन, जैसे कि दोस्तों आप सभी को बताएगा कि इन्होंने क्या कारनामा करा है, इसे हमें पता चलता है कि ये बैटिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अकील हुसैन हमें स्पिन बॉलिंग का दोनों से आने वाले हैं। वो क्या है, और आखिरी नंबर पर आएगी शेडक होटल जो कि दोस्तों हमें फास्ट बॉलिंग का दोनों से आने वाले है। तो दोस्तों ये तो बात कर ले हमने पूरी प्लेइंग 11 के बारे में, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे साथ साथ देख पा रहे हो कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 ये कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पर आएगी जेसन रॉय, दूसरे नंबर पर आएगी टॉम पैटन। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि दोनों की दोनों बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ हमें मैच ओपनिंग का दोनों आने वाले है। तीसरे नंबर पर आएगी जेम्स विंस जो कि बैट्समैन है। चौथे नंबर पर आएगी मोइन अली जो कि बैट्समैन है और ये अपनी टीम के लिए स्पिन बॉलिंग का दोनों आने वाले है। पांचवें नंबर पर ओन मॉकन जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ हमें टीम के लिए कैप्टनसी का दोनों आने वाले है। छठे नंबर पर सैम बिलिंग्स जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ हमें टीम के लिए विकेट कीपिंग का दोनों आने वाले है। सातवें नंबर पर आएगी लियाम डॉल्स सर जो कि बैट्समैन तो ही है, साथ ही साथ दोस्तों ये हमें कहते नजर आएगी स्पिन बॉलिंग। आठवें नंबर पर आएगी क्रिस वुडन और दोस्तों ये भी बैटिंग कर सकते हैं और वैसे तो ये हमें फास्ट बॉलिंग करते नजर आने वाले हैं। नवे नंबर पर आएगी आदिल रशीद, ये भी सही पर बैटिंग कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं कि वैसे आदिल रशीद हमें स्पिन बॉलिंग करते नजर आने वाले है। दसवें नंबर पर आएगी डायमंड मिस जो कि दोस्तों हमें फास्ट बॉलिंग करते नजर आएंगे और ग्यारहवें और आखिरी नंबर पर आएगी रिस टॉपले जो कि दोस्तों हमें करते नजर आएगी फास्ट बॉलिंग। तो ये तो बात कर ली हमने पूरी की पूरी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, ऐसे होने वाली है प्लेइंग 11। तो दोस्तों ये देखने से मुझे इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही। तो दोस्तों वही बात की जाए कि कैसे है मेरी पनोरिंग कम्बर्ड 11। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग अभी स्क्रीन पे साथ साथ देख पा रहे हो कि मेरी पनोरिंग कम्बर्ड 11 ये कुछ इस प्रकार से है। ये दोस्तों मेरे थोड़ी अलग तरीके से बनाई है अपनी पनोरिंग कम्बर्ड 11। तो दोस्तों जिसको मैंने पहले नंबर पर रखा है वो है बिल शॉर जो कि हमें टीम के लिए विकेट कीपिंग का दोनों आने वाले है। वो दूसरे नंबर पर डेरेन ब्रावो, दोस्तों इसकी तो रीजन है, पहले तो ये है कि डेरेन ब्रावो काफी ज्यादा हल्का खेलते है, वे फील्ड शॉट काफी तेज खेलते है। इन्होंने दोस्तों T10 में काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करा था, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा छक्के भी इन्होंने नहीं मारे थे। और मैं आपको बता दूं कि अभी लेफ्ट फुट कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और डेरेन ब्रावो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेते हैं सेट होने के लिए, इसका मैंने इनको ओपनिंग के लिए दिया है। वही तीसरे नंबर पर आएगी मोइन अली जो कि दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा अटैक का बैट्समैन है। और मैं आपको बता दूं कि मोइन अली में स्पिन बॉलिंग का भी ऑप्शन देते है और दोस्तों अगर ये डेरेन ब्रावो आउट होते तो मोइन अली आएंगे। वही बात की नवे पवेल की, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी काफी अटैकिंग बैट्समैन है, ये दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक पावर हिटिंग करते हैं और ये दोस्तों अपनी बैटिंग से आराम से किसी भी टीम को दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी फिर शॉट आउट हुए तो नवे पवेल आएंगे। उसके बाद पांचवें नंबर पर आएगी नियम निशान जो कि दोस्तों 100 मीटर से बिलम बिलम पे छक्के काफी आराम से मारते हैं और साथ ही साथ ही अपनी स्पिन बॉलिंग का भी ऑप्शन देंगे। उसके बाद दोस्तों छठे नंबर पर आएगी कैरम ब्लैट जो कि दोस्तों बैट्समैन तो ही है और दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताया होगा कि कैरम ब्लैट कितनी खतरनाक बैटिंग करते है, ये 16 ओवर में जो इतने खतरनाक बन जाते हैं कि जो तो आपको पता ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि कैरम ब्लैट हमें फास्ट बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं और साथ ही साथ मेरी टीम के लिए कैप्टनसी का दो मिनट आने वाले है। उसके बाद देखिए क्रिस जॉर्डन, दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले और दूसरे T20 में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करा है क्रिस जॉर्डन ने अपनी बैटिंग से और दोस्तों बॉलिंग तो अच्छी करती है।
उसके बाद आएगी नंबर शफर्ड। दोस्तों पिछले मैच में नंबर शफर्ड ने काफी ज्यादा अच्छी बैटिंग की थी, काफी ज्यादा गेम को अच्छी तरीके से फिनिश करा था, ये बदला क्योंकि वो चिता नहीं पाए थे वेस्ट इंडीज को, लेकिन तभी भी दोस्तों मेरे नंबर शफर्ड को उनकी बैटिंग की वजह से लिया है, तो ये बॉलिंग में भी कभी कभार विकेट निकाल लेते हैं। उसके बाद आगे आदिल रशीद, दोस्तों आदिल रशीद को रखने का सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि कोई भी यहाँ पे ऐसा मेन बॉलर नहीं था जो कि स्पिनर हो, इस कारण मैंने आदिल रशीद को लिया है। आदिल रशीद काफी सही से विकेट चटकाते भी है और दोस्तों साथ ही साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते है। और दोस्तों उसके बाद देखिए अखिल हुसैन, मैं आपको बता दूं कि अखिल हुसैन काफी ज्यादा खतरनाक बैट्समैन है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जब आखिरी ओवर हुआ था पिछले मैच में उन्होंने को 28 रन दिए थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनकी इस पारी में 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे, जो पिछले मैच था उस पारी की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि अखिल हुसैन काफी ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकते है, वो फिनिश काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते है, उसी कारण मैंने अखिल हुसैन को लिया है। ये विकेट्स भी दोस्तों छटका ही सकते है, वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पिन बॉलर है। और फिर उसके बाद क्या है वो अंतिम नंबर पे आएगी रिश चोपड़े। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि रिश चोपड़े हमें कब तो नजर आएगी फास्ट बॉलिंग। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिश चोपड़े अच्छी खासी फील्डिंग भी करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि टीम में अच्छे बैट्समैन या बॉलर हो, फील्डर भी अच्छे होने चाहिए टीम में, क्योंकि दोस्तों वही रन बचा है आगे के लिए। तो दोस्तों ये तो बात कर ले हमने मेरी बने कंप्यूटर लैम के बारे में, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैसे रहा है वेस्ट इंडीज का हाल वो विज्ञान सिंह ओवल में जो कि बारबाडोस में स्थित है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि वेस्ट इंडीज ने वहाँ पे कुल 11 T20 मैचेस खेले है, जिस दौरान 6 में जीत मिली, 4 में हार मिली, 1 नो रन निकला, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज काफी ज्यादा खतरनाक दिखती है। वही दोस्तों इंग्लैंड भी यहाँ पे कम नहीं है, इंग्लैंड ने भी यहाँ पे कुल मिला के 8 मैच खेले है, जिस दौरान दोस्तों वो 5 जीते है, 3 हारे है। तो दोस्तों इसको भी देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे भी इंग्लैंड कम नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात कर ली तो नहीं टीम के परफॉर्मेंस के बारे में जो कि रहा है इनका कैंसी डॉबल में, वही बात कीजिए कि किसके जीतने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो दोस्तों ये बताने में लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल है कि किसके जीतने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी हमने कैसे ओवल की परफॉर्मेंस को देखा था या दोनों टीमें इक्वल लग रही थी, जब वेस्ट इंडीज भी ठीक है मैच जीती है वो इंग्लैंड भी। वही दोस्तों जैसे कि आप सब लोग इस सीरीज को भी देख पा रहे हो कि दोनों टीमों ने मैच जीता, जैसे कि दोस्तों हेड टू हेड में जब वेस्ट इंडीज का बना काफी ज्यादा भारी था, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वेस्ट इंडीज की टीम पहले अच्छी थी, अब उतनी खतरनाक नहीं दिखती। और दोस्तों जैसे कि आप सब ने प्लेइंग 11 देखी, दोस्तों मुझे इतनी खास नहीं लगी थी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 और वेस्ट इंडीज दोनों टीमों की, मुझे प्लेइंग 11 बिल्कुल भी खास नहीं लगी। तो दोस्तों इसका मुझे बताना काफी ज्यादा मुश्किल लगी यहाँ पे किसकी जीतने की काफी ज्यादा चांसेस है, ये बदला क्योंकि जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसे दोनों में से किसी टीम की प्लेइंग 11 हो जाए तो सोलो जी देगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन दोनों टीमों के जो प्लेयर्स है वो काफी ज्यादा फॉर्म अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, पता नहीं वेस्ट इंडीज वाले किस किस प्लेयर को खुसा रहे और वो इंग्लैंड भी। तो दोस्तों इस कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे इंग्लैंड की जीतने की काफी ज्यादा चांसेस है। दोस्तों मैं ये नहीं बता रहा कि कौन जीतेगा, मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि कौन जीत सकता है, तो यहाँ पे इंग्लैंड के मुझे जीतने के काफी ज्यादा चांसेस लगते है। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा अगर आप ऐसी मजेदार वीडियो देखना चाहते हो। तो अब हम मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में।